ठीक है। हाय स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूनिवर्सल टारगेट सेमेस्टर में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी के जो 101 है, कौन सा ये 101 है, तो ये जो सोशियोलॉजी है 101 का यूनिट नंबर 2 है, और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अब तक यदि आपने टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ से मिलने वाला है, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और भी बहुत सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। ठीक है ना, तो उसको यदि आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा, आप बहुत प्रॉफिट में रहेंगे। और सारे लेक्चर्स जितने भी हो रहे हैं यूट्यूब पर तो फ्री प्रोवाइड कराया जा रही है, वहाँ पर आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल ये हो जाएगा कि पीडीएफ भी मिल जाएगा और आप यहाँ से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। और कुछ चीज़ें जो इशू है, जो प्रॉब्लम्स है, कहीं कुछ दिमाग में मिस जाता है, ठीक है ना, तो क्वेश्चंस वगैरह ऑप्शंस वगैरह में कहीं एक दो अगर मिस्टेक हो जा रहा है तो उसको आप क्लियरिफाई करने के लिए एक बार ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि उसको आगे चल के क्लियरिफाई कर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग पहुँचते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन कौन सा सही होने वाला है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि समाजशास्त्र अध्ययन करता है, समाजशास्त्र जनरली किसका अध्ययन करेगा, समाजशास्त्र जो अध्ययन करेगा वो करेगा समाज का। ठीक है ना, समाज, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोसाइटी। सोसाइटी का अध्ययन समाज करता है जो समाजशास्त्र है, और समाजशास्त्र जो होता है इसके अंतर्गत जो रहने वाले व्यक्ति हैं, समाज में रहने वाले व्यक्ति तथा उनसे संबंधित जितने भी पक्ष है उसका सबका अध्ययन ये करता है। ठीक है ना, तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा समाज, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, समाज का अध्ययन सोशल साइंस करता है, इसके बारे में हमने देख लिया। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है। देखिए बहुत ही फेमस ये कोटेशन है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसका कथन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैकावर एवन पेज का। मैकावर एवन पेज है, ये कहते हैं कि जो समाज है ये सामाजिक संबंधों का जाल है। जैसे एक व्यक्ति है उसके कई संबंध हैं, जैसे एक व्यक्ति और किसी व्यक्ति के बीच में पिता और पुत्र का संबंध है, एक व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में जो है मामा का संबंध हो सकता है, चाचा का संबंध हो सकता है, और फिर एक व्यक्ति और किसी महिला के बीच में माता का संबंध हो सकता है, बहन का संबंध हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हम इसकी बात करें, ठीक है ना, तो जो है मानव और मानव के बीच में सामाजिक जो संबंध है उसका जाल बताया गया है। ठीक है ना, और किसके द्वारा बताया गया है, मैकाइवर के द्वारा बताया गया। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये 100% एग्जाम में मिलने के चांसेज हैं इसको उसका। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको 100% में मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सोशल ऑर्डर पुस्तक किसने लिखी है, द सोशल ऑर्डर पुस्तक। चूंकि इसके पहले हमने बताया कि क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे जो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आते हैं तो उसको 100% एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक सेट हो जाए। रीजन क्या है कि इस तरीके के क्वेश्चन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये ओनली फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो इसको याद करने के लिए आपको कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ना पड़ेगा, उसको तब तक पढ़ना पड़ेगा जब तक याद ना हो। ठीक है ना, चलते हैं देखते हैं ये जो क्वेश्चन है आपका द सोशल ऑर्डर, ठीक है ना, इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो वेरिस्टीड हैं। ठीक है ना, वेरिस्टीड के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है ना, पुस्तक का नाम क्या है, द सोशल ऑर्डर, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है, यह कथन है। यानी कि इस कथन में कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन इज दिस स्टेटमेंट। ठीक है ना, कलेक्टिव जो रिप्रेजेंटेशन है इसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं, तो ये दुर्खी महोदय हैं। आपका सही आंसर जो हो जाएगा दुर्खी महोदय। दुर्खी महोदय क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र जो होता है सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान। ठीक है ना, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, कौन सी विशिष्टता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है? देखिए यहाँ पे बात की जा रही है भारतीय ग्रामीण समुदाय की, यानी कि भारत में जो ग्रामीण समुदाय है, भारत में ग्रामीण समुदाय, ठीक है ना, इसकी बात की जा रही है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो भारतीय ग्रामीण समुदाय में नहीं है? तो परंपरानिष्ठ यह है, वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव ये भी है, और अंधविश्वास ये भी है, ठीक है ना। चूंकि भारत में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा मात्रा में है, वैज्ञानिक दृष्टि का भी अभाव है, क्योंकि बहुत से ऐसे तत्व है, बहुत से ऐसे कार्य है जिसको अभी तक हम परंपरा पे लेकर के चल रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टि का उसमें कोई महत्व नहीं, ठीक है ना। और सही आपका ऑप्शन हो जाएगा व्यापक साक्षरता, ठीक है ना, व्यापक साक्षरता। अब यहाँ पे साक्षरता से क्या मतलब है? साक्षरता से मतलब जैसे होता है कि एक साक्षर होते हैं, ठीक है ना, साक्षर व्यक्ति जो होते हैं उनको कम से कम लिखना पढ़ना आता हो, ठीक है ना। तो भारत में साक्षरता जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है, ठीक है ना, बहुत बड़ी मात्रा में साक्षरता नहीं है, लगभग 65% के आसपास में, ओवरऑल मिला करके 61 से 70 के बीच में ही साक्षरता अभी तक है, ठीक है ना। केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर साक्षरता आपका 95% तक जा चुका है, परंतु अभी भी भारत के ऐसे कई राज्य हैं, कई ऐसे ग्रामीण हैं यहाँ पे साक्षरता का बहुत ही अभाव, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी विशिष्टता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है, तो व्यापक साक्षरता ये जो है वो विशेषता नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारा देश जो है, हमारे देश में जो ग्रामीण सिस्टम है, जो ग्रामीण है, जो गांव है, वहां पे लोग बहुत ज्यादा मात्रा में साक्षर नहीं है, कम मात्रा में साक्षर है। अगर यहीं पे आपका क्वेश्चन, अगर ये व्यापक साक्षरता ना देकर के कह देता है कम साक्षरता, तब ये भी आपका सही आंसर हो जाता है, बट व्यापक साक्षरता कह रहा तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि ये सही है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नगरपाद जीवन की एक पद्धति है, किसने कहा है? हु सेड्स नगरपाद इज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा एलवीर्थ ने, ठीक है ना, एलवीर्थ ने कहा है, ठीक है ना। एलवीर्थ कहते हैं कि नगरपाद जो है जीवन की एक पद्धति है, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदू सामाजिक संगठन किसकी रचना है? यह एक प्रकार की रचना है, पुस्तक है, ठीक है ना, और इसकी रचना किसने की है, इसको ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। हुज कंपोजिशन इज हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पी एच प्रभु, ठीक है ना, पी एच प्रभु के द्वारा ये किताब लिखी गई है, हिंदू सामाजिक संगठन। तो आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? देखिए ये जो परिस्थिति है और जो भूमिका है, ठीक है ना, इसका जो है सोशल साइंस में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है ना। और इसको सबसे पहले जो है व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया था वो लिटन महोदय ने किया था, ठीक है ना, लिंटन महोदय के द्वारा जो है इसको व्यवस्थित रूप में पहली बार प्रस्तुत किया गया था, इसीलिए आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो लिंटन हो जाएगा। आपका चौथा ऑप्शन सही है, यानी कि परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा? लिंटन के द्वारा। चूंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, और कॉन्सेप्ट जब एक्सप्लेन करने लगेंगे तो टाइमिंग कम है, और आप लोगों का एग्जाम भी बहुत जल्दी आ गया है, और चूंकि लगातार है तो आपको जल्दी से जल्दी कवर करने की आवश्यकता है। अगर एक दो छोटा बड़ा मिस्टेक हो जा रहा है तो उसको इग्नोर करिए, और कोशिश करिए कि जल्दीबाजी में कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिमाग से मिस कर जा रहा है कि कौन सा क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आप लोगों का सारे सिलेबस कवर भी करवाने हैं, और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना भी है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में आप रखें, और उस चीज़ को बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि कवर नहीं होगा, बट उसको कवर कर दिया जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तक सोशल चेंज किसके द्वारा लिखी गई है? तो सोशल चेंज जो पुस्तक है ये मैकाइवर और पेज के द्वारा लिखी गई है। आपका सही आंसर हो जाएगा मैकाइवर और पेज।
पुस्तक का नाम क्या है? सोशल सेंस। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए कि कौन सा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक सेटअप फिक्स हो जाएगा कि ये पुस्तक इसी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। क्योंकि जब किसी भी चीज को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हम पढ़ते हैं तो उसके साथ वो लिंक क्रिएट हो जाता है जो कि हमारे माइंड में परमानेंट सेट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि सोशल चेंज की पुस्तक किसने लिखे थे? मैकाइवर और पेज ने लिखे थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाज के सामाजिक संबंधों का ताना बाना या जाल। देखिए इस क्वेश्चन को इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सामाजिक संबंधों का ताना बाना जाल किस समाजशास्त्री ने कहा है? तो मैकाइवर और पेज ने कहा था, इसके पहले हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं, विच सोशियोलॉजिस्ट हैज कंसिडर्ड द फैब्रिक और वेव टू सोशल रिलेशन ऑफ द सोसाइटी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैकाइवर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है आपका, समाज की विशेषता नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन है समाज की विशेषता नहीं है। देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर यहाँ पे मैं बार बार आपको यहाँ पे जो नहीं करके क्वेश्चन पूछता है इसको मैं बार बार इंडिकेट करता हूँ कि यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से समाज की विशेषता है, और फिर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से समाज की विशेषता नहीं है, ध्यान देने की आवश्यकता क्या है? देखिए बहुसंख्यकों में अंतर क्रिया ये जो है समाज की विशेषता है, सदस्यों का चयन की निश्चित प्रक्रिया ये भी समाज की विशेषता है, और समाजीकरण व सामाजिक नियंत्रण ये भी समाज की विशेषता है, आत्मनिर्भरता का अभाव जो है समाज की विशेषता नहीं है, क्योंकि समाज में लगभग लोग आत्मनिर्भर होते हैं। और ऑप्शन आपका कह रहा है कि आत्मनिर्भरता का अभाव, यानी कि आत्मनिर्भर लोग नहीं है, तो हमारे समाज में लगभग लोग क्या है? आत्मनिर्भर है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन आत्मनिर्भरता का अभाव ना कर करके कहता कि आत्मनिर्भर, तो सही ऑप्शन हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपका सही आंसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि कह रहा कि समाज की विशेषता नहीं है, तो आत्मनिर्भरता का अभाव हमारे समाज की विशेषता नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आत्मनिर्भर हैं, ठीक है ना। इसीलिए आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिर्भरता का अभाव समाज की विशेषता नहीं है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, समाज हमारे इर्द गिर्द प्राप्त हुई अनुभवों का पुंज है, यानी समाज जो हमारे इर्द गिर्द में जो भी हम अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, जो आसपास में जो कुछ भी देख रहे हैं, उसी का ही एक पुंज है, उसी का ही एक इकट्ठा किया हुआ स्वरूप हमें दिखाई देता है, पुंज कहा जा सकता है जिसे। ये कथन है बर्जर महोदय का, चूंकि यहाँ बर्जर नहीं है, बर्जर महोदय होने चाहिए, बर्जर इनका नाम है, ठीक है ना। चूंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, आप इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे, बर्जर नहीं इनका नाम है, ठीक है ना। तो बर्जर महोदय कहते हैं कि हमारे समाज के इर्द गिर्द प्राप्त हुए अनुभव का पुंज है। समाज क्या है? हमारे आसपास में जो कुछ भी देखते हैं उसका ही एक पुंज है, उसका ही एक छोटा सा स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है, और उसी को हम लोग। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बर्जर महोदय। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिम के समाजों को रुग्ण समाज की संज्ञा किस समाजशास्त्री ने दी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एरिक फ्राम के द्वारा। पश्चिम के जो समाज है, पश्चिमी समाज मतलब हम लोग का एशिया है, और इधर का समाज जो है, ये जो यूरोपीय समाज है, ये क्या है? पश्चिमी। तो ये जो पश्चिम के समाज है, इन समाज को रुग्ण समाज की संज्ञा किसने दी है? तो एरिक फ्राम महोदय ने दी है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम का जो समाज है पूरी तरीके से रूढ़ है, यानी कि उस समाज की सभ्यता को फॉलो करना हमारे लिए बहुत ही एक तरीके से रूढ़ होगा, यानी कि उस चीज को हम लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे। किसका कथन है भाई? ये एरिक फ्राम का कथन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाज स्वयं संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबंध है, यह कथन किसका है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गिडिंग्स महोदय का। गिडिंग्स महोदय कहते हैं कि समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहयोगी व्यक्ति
परस्पर संबंध है, ठीक है ना, यानी कि एक दूसरे का लोग संबंध जो है उन दूसरे, जैसे एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध है, तो जरूरी नहीं है सिर्फ सिर्फ संबंध होगा, वो हो सकता है कि एक दूसरे का सहायता भी करेंगे। ऐसा कथन किसका है? ये गिडिंग्स महोदय का है। ये कहते हैं समाज क्या है? एक संघ है, एक संगठन है, यानी कि इन्होंने संघ भी समाज को कहा और संगठन भी कहा, और इतना ही नहीं कहा, कहा कि इनका जो औपचारिक संबंध है, ये औपचारिक संबंध केवल संबंध तक सीमित नहीं है, बल्कि एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। किसने कहा है भाई? गिडिंग्स महोदय ने कहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है आपका, समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं बल्कि मनुष्यों के अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? समाज मनुष्यों के समूह का नाम ही नहीं, जैसे मनुष्य को समूह है उसी का नाम ही समाज नहीं है, बल्कि यह मनुष्यों के संबंधों की जटिल व्यवस्था है। इसके पहले मैकाइवर ने कहा था कि समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि यह मनुष्य के अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है, तो जटिल व्यवस्था लापियर महोदय ने कहा है, ठीक है ना। क्वेश्चंस आपको मिलेगा तो आप क्वेश्चंस को कंपेयर करके भी याद रख सकते हैं। जैसे मैकावेर ने क्या कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, लेकिन जटिल व्यवस्था किसने कहा है? तो जटिल व्यवस्था लापियर महोदय ने कहा है। लापियर महोदय कहते हैं कि जो समाज है, ठीक है ना, वो तो मनुष्य समूह का गठन ही नहीं, मतलब मनुष्य के समूह का सिर्फ गठन ही नहीं होगा, बल्कि क्या होगा भाई? ये जो है जटिल व्यवस्था है। किसका ये कथन है? ये कथन है आपका ये लॉपियर महोदय, ठीक है ना। इतना आपको याद रखने की आवश्यकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे भी आप इसको एक बार रिलेट कर लीजिए इस तरीके से कि संबंधों का जाल किसने कहा है? संबंधों का जाल, तो संबंधों का जाल आपको कहा है मैकाइवर महोदय ने, और जटिल 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 व्यवस्था किसने कहा है? तो जटिल व्यवस्था किसने कहा है? तो लापियर महोदय, ठीक है ना, लापियर। क्लियर, ठीक है। ये भी आपको याद, इस तरीके से आप लिख करके एक जगह कि किसने क्या कहा है समाज को, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाज समुदाय के भीतर संगठित समितियों एवं संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है। अब देखिए, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें भी जटिल व्यवस्था की बात की गई थी। देखिए इस क्वेश्चन को, इस समाज मनुष्य के समूह का नाम ही नहीं बल्कि मनुष्य के अंतर संबंधों की जटिल व्यवस्था है, ठीक है ना। यहाँ पे मनुष्य के अंतर संबंधों की जटिल व्यवस्था बता रहा है, और यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है संगठित समितियों एवं संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चंस अब यहाँ पे चेंज हो गया। कैसे क्वेश्चन चेंज हो गया? वहां पे कहा कि अंतर संबंधों की जटिल व्यवस्था, अंतर संबंधों की जटिल व्यवस्था, संबंधों की जटिल व्यवस्था, ठीक है ना। और यहाँ पे कह रहा है समितियों संस्थाओं की जटिल व्यवस्था, समिति व संस्था की जटिल व्यवस्था। तो देखिए दोनों में जटिल शब्द है, लेकिन एक में अंतर संबंध की बात कर रहा है और दूसरे में समिति और संस्था की बात कर रहा है। तो आपको शब्द को पकड़ना है, समिति और जब संस्था की बात करेगा, समिति और संस्था में जटिल की बात करेगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा को, ठीक है ना। और वहीं पे जब अंतर संबंधों की बात करेगा तो आपका हो जाएगा लापियर महोदय, ठीक है ना, लापियर। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से इंडिकेट करते हुए चलना है और अपने माइंड में एक सेटअप बना लेना कि ये चीजें इससे संबंधित है, इसीलिए इस चीज का ऑप्शन ये होगा, ठीक है ना। जब भी अंतर संबंधों की पूछेगा तो ये इसके लापियर हो जाएंगे, और समिति का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कोल महोदय। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 16 नंबर क्वेश्चन हो गया, 17 नंबर पर पहुंचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सोसाइटी? तो सोसाइटी पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके मैकाइवर है, ठीक है ना। मैकाइवर के द्वारा सोसाइटी पुस्तक की रचना की गई। इनके साथ एक और विद्वान थे, लेकिन मैकाइवर में मुख्य रूप से थे, इसीलिए आपका सही आंसर हो जाएगा मैकाइवर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पुस्तक का नाम क्या है भाई? सोसाइटी। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? मैकाइवर महोदय हैं। याद रखिए, सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? मैकाइवर हैं, ठीक है ना। सोसाइटी पुस्तक के लेखक मैकाइवर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है आपका,
कौन समाज का संरचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने वालों में सम्मिलित नहीं है, यानी कि समाज का जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है इसको कौन नहीं अपनाना चाहता है, मतलब ऐसा कौन नहीं मानता है कि समाज की संरचना इस प्रकार से हुई होगी, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैकाइवर। मैकाइवर क्या कहते हैं, मैकाइवर संरचना को नहीं मानते हैं, संरचनात्मक दृष्टिकोण को नहीं मानते हैं समाज को बनाने में, ठीक है ना। हु इज नॉट इंक्लूडेड एमॉन्ग द हुज एडॉप्ट द स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ सोसाइटी। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैकाइवर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाज किस प्रकार का संगठन है, क्या कह रहा है, समाज किस प्रकार का संगठन है। तो देखिए संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक और ए बी, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि समाज जो है स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है, ठीक है ना, यानी कि इसकी संरचना भी हुई है और ये प्रकार्यात्मक है, मतलब कार्य को भी करेगा। और इसके पहले जो मैकाइवर महोदय हैं, मैकाइवर महोदय ये इसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना, इसको ये निगलेक्ट कर देते हैं। कौन, मैकाइवर महोदय, जो संरचना इसकी है समाज की संरचना, इसको निगलेक्ट कर देते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आप याद रखिए। लेकिन संरचना, बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो संरचनात्मक को एक्सेप्ट करते हैं और प्रक्रियात्मक को भी एक्सेप्ट करते हैं। इनका मतलब यह है कि प्रक्रियात्मक तो है परंतु ये नहीं है, किसका कथन है, मैकाइवर का। लेकिन अगर बात करें अन्य विद्वानों की, तो अन्य विद्वान जो अन्य समाजशास्त्री हो, संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक दोनों को कवर करते हैं। इसलिए आपका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाज सार रूप में एक स्थिति, अवस्था अथवा संबंध है, अतएव आवश्यक रूप से यह अमूर्त है। देखिए इसके पहले जब हम आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस बताए थे, तो पॉलिटिकल साइंस में बताए थे कि राज्य राज्य एक अमूर्त संस्था है, क्या है, अमूर्त संस्था है, ठीक है ना। क्या होता है इसमें, सरकार होती है, सरकार में व्यक्ति होते हैं, जो सरकार में व्यक्ति होते हैं वही समाज को मूर्त रूप देने का कार्य करते हैं। इसी तरीके से समाज जो है आपका वो भी क्या है, अमूर्त है, क्या है, अमूर्त है, और इसमें भी व्यक्ति जो होते हैं यही समाज को मूर्त रूप देते हैं, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट। राइट महोदय क्या कहते हैं, राइट महोदय कहते हैं कि समाज सार रूप में एक स्थिति, अवस्था अथवा संबंध है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये कहते हैं कि अवस्था भी है, स्थिति भी है और संबंध भी है, ठीक है ना। अतएव आवश्यक रूप से यह अमूर्त संस्था है, क्या है, अमूर्त संस्था। सही आंसर आपका हो जाएगा राइट। राइट महोदय का ये कथन है कि राज्य जो है एक अमूर्त ये समाज जो है एक अमूर्त संस्था है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्य अमूर्त संस्था था, राज्य अमूर्त संस्था था, समाज भी अमूर्त है, ठीक है ना, समाज भी क्या है, अमूर्त, समाज अमूर्त संस्था है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। समाज को अमूर्त किसने कहा है, तो समाज को अमूर्त राइट महोदय ने कहा है, ये बात आपको याद रखने की आवश्यकता है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़िए लिखिए और जो छोटी बड़ी मिस्टेक्स हो रही है उसको जो है कवर करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि आप लोग का एग्जाम का प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है कि जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो गया, उसको मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय। जल्दी से टारगेट गूगल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बाकी कवर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।